असलकम माह खुश आमदीद कहती है आपको माहा के बाची खाने में तो देखिए आज क्या बनने जा रहा है माहा के बाची खाने में आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में चाइनीज़ राइस विद चिकन मंचूरियन मेरे बेटे को भी ये बहुत पसंद है और आज उसकी स्पेशल फरमाइश पे मैं चाइनीज़ राइस चिकन मंचूरियन बनाने जा रही हूँ तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें उसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे तो आइए मैं आपको बताती चलूँ सबसे पहले मैंने यहाँ ली है हाफ के जी बोनलेस चिकन जो इस तरह बोटियों की शक्ल में थी मेरे पास उसको मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट वन टीस्पून लाल मिर्च पाउडर वन हाफ़ टी स्पून पेप्रिका पाउडर के साथ मैंने इसको यहाँ कुक करके रख लिया है क्योंकि टाइम की कमी के बायस यहाँ पे सब चीज़ें आपके सामने बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए और वीडियो भी टू लॉन्ग हो जाती है इसलिए ये मैंने पहले से कुक करके रख लिया इसका अभी हम इसको चिकन मंचूरियन के साथ यूज़ करेंगे ये देख सकते हैं आप एक बोल है तकरीबन पूरा हाफ इन हाफ के जी है हमारे पास चिकन इसके बाद मैंने यहाँ पे ली शिमला मिर्च एक अदद शिमला मिर्च को मैंने अंदर से तमाम वाइट इसके जो पार्ट्स है उसको रिमूव करके चको इस तरह से काट लिया है आप देख सकते हैं एक शिमला मिर्च है ये और ये एक ही एक ही मैंने यहाँ प्याज़ ली है प्याज को भी मैंने चकोर पीसेस में काट के रख लिया है इस तरह से कुछ आप देख सकते हैं ये देखिए इस तरह चकोर ये मैंने करके रख लिया है ये तकरीबन एक प्याली मैंने टमेटो कैचअप ली है बहुत से लोग इसमें टमाटो प्यूरी भी डालते हैं लेकिन उससे वो कलर नहीं आता जो कि एक होना चाहिए उसका मंचूरियन का एक टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लहसन लिया है जिसको मैंने इस तरह मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है जिसको हम अभी मनचुरियन में इस्तेमाल करने लगे हैं ये मैंने मसाले लिए हैं जिसमें वन टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स वन टीस्पून जो है काली मिर्च मैंने मोटी मोटी कूट के और वन टीस्पून नमक लिया है और उसके साथ ही मैंने ये कॉर्नफ्लोर को तीन टेबल टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मैंने पानी में घोल के इस तरह रख लिया है जो हमें चिकन मंचूरियन में इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी मैं बताऊंगी आपको कि ये हमें किस स्टेज पे उसमें ऐड करना है तो सबसे पहले हम शिमला मिर्च को और प्याज को दोनों को हल्के से ऑयल में पहले सोटे करेंगे उसके बाद हम इसकी सॉस तैयार करेंगे तो आइए हम अपने इसमें कढ़ाई में सबसे पहले हमने ऑयल डाला और उसको ऑयल को गर्म होने के बाद हम इसमें दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो सबसे पहले और इसको हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना हल्का सा सॉटे करना है क्योंकि आपने देखा होगा चाइनीज़ खानों में इसको ये हल्का सा कुक होता है थोड़ा सा क्रंची क्रंची होनी चाहिए सब्जियां बहुत ज़्यादा कुक नहीं करते तो एक जो चाइनीज़ खानों का एक जो ख़ास होता है टेस्ट वो उसके मुताबिक हमें करना है तो इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ शिमला मिर्च ये देखिएगा इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ ये प्याज़ एक साथ ही हमने दोनों चीज़ों को डाल लिया और हल्की आँच में इसको हल्का सा कुक करेंगे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे ताकि इसके कलर भी जैसे ये खिले खिले कलर लग रहे हैं इसी तरह इसकी कलर भी इसके अच्छे से रहें और ये थोड़ा सा क्रंची क्रंची ही रहे बिल्कुल गल ना जाए ये करने के बाद ये देखिए थोड़ी देर ही करूँगी इसको मैं और फिर मैं बताती हूँ कि अब हमें सॉस कैसे बनानी है ये देखिए सॉटे करके मैंने शिमला मिर्च और प्याज को निकाल लिया है इस तरह से ये साइड पे रख के और अब हम सॉस बनाने के लिए अपने पैन हमने चढ़ाया हुआ है उसमें मैंने ऑयल डाल लिया, इतना और ऑयल हम गरम होने के बाद इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें ये जो मैंने लहसन चॉप करके रखा हुआ था ये ऐड करूँगी ये देखिए लहसुन को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे हल्का सा इसको कुक हल्का सा पकाएंगे इसमें से जब खुशबू आने लगे हल्की आंच पे इसको इस तरह चम्मच चला दें हल्का सा कुक करना है इसको बहुत ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे ये देखिए अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी ताकि मसाला जो हम लोग सॉस बनाने के लिए अभी इसमें डालेंगे वो जले नहीं अब इसमें मैं ये कैचअप ऐड कर रही हूँ एक प्याली ये देख लीजिए इसको हम ऐसे चम्मच चलाएंगे ये देखिए अब मैं इसमें मस... पानी थोड़ा सा ऐड करूँगी ताकि हमारे मसाले जले नहीं ये पानी मैंने ऐड किया ये मसाले आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताए थे रेड चिली फ्लेक्स काली मिर्च कुटी हुई और नमक ये सब हमने इसमें अच्छे से डाल के इसको ऐसे मिक्स कीजिए अब ये मैं इसके ऊपर रेड चिली सॉस जो अक्सर चाइनीज़ खानों में डलता है तकरीबन मैंने एक से डेढ़ टेबल स्पून अंदाजा इसमें डाल दिया है आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं ये देखिए बड़ा अच्छा कलर आ रहा है सॉस का अभी हम इसको थोड़ा पकाएंगे। हमें एक्चुअली जो है जो चाइनीज़ खानों में जो है थोड़े से मिर्च मसाले थोड़े स्पाइसेस कम होते हैं लेकिन हमें आपको पता है हम पाकिस्तानी खानों में थोड़े से स्पाइसेस हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो उस टेस्ट के मुताबिक हम लोग इसमें ज़्यादा मसाले डालते हैं तो वो इसी तरह मैंने यहाँ थोड़े स्पाइसेस ज़्यादा रखे हैं आप भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक अब मैं इसमें ये कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ ये देखिए कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया इस तरह चम्मच चलाते रहें अब ये थिक हो जाएगा मुझे इसमें थोड़ा पानी ऐड करना है जी इस तरह पानी ऐड कर लिया हमने और अब हम इसको मज़ीद पानी ऐड करके थोड़ा सा इसको कुक करेंगे ये देखिए मैंने पानी और ऐड किया कॉर्नफ्लावर डालने के बाद और अब इसको हम कुक कर रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें आप अभी थोड़ा ये पतला है इसको हम कॉर्नफ्लावर ऐड किया है तो अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएँगे यहाँ अब इस इस स्टेज पे मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ जो हमने पहले से कुक करके रखी थी अब मैं इसमें सब्जियाँ ऐड कर कर रही हूँ ये प्याज और शिमला मिर्च जो हम सॉटे करके रखी थी हमने अच्छे से इसको मिक्स करें ये देखिए कितना ख़ूबसूरत कलर आया है इसका अभी थोड़ा इसको और हम कुक करेंगे ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए जिस तरह की फॉर्म होनी चाहिए चिकन मंचूरियन की मैं थोड़ा सा एडजस्ट करना चाह रही हूँ कैमरा कि आपको इसका एक्चुअल कलर जो है ठीक से नज़र आ सके ये देखिए इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे क्योंकि अभी ये थोड़ा पतला लग रहा है और अभी हमने कॉर्नफ्लावर जो ऐड किया है वो थोड़ा सा और पक जाए ताकि उसका कच्चा टेस्ट कच्चा का नहीं आए ठीक से कुक हो जाए ये देखिए अब ये कुक हो चुका है ऑलमोस्ट कुक हो चुका है ये देखिए बड़ा खूबसूरत लग रहा है अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा और ये कुक हो जाए तो हम इसके ऊपर तिल स्प्रिंकल करेंगे क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल होता है अक्सर चीज़ों में हम लोग ऐड करते हैं चाइनीज़ डिशेस में ये देखिए अभी थोड़ा पतला लग रहा है मुझे लग रहा है इसको थोड़ा एक दो मिनट और इसको हमें कुक करना चाहिए बहुत ही टेस्टी चिकन मंचूरियन तैयार हुआ है ये ये देखिए अब मैं इसके ऊपर ये तिल स्प्रिंकल कर रही हूँ ये तो मैंने इसमें अंदर थोड़े से मिला दिए हैं फिर जब आप डिश आउट करें तो उसके ऊपर भी आप स्प्रिंकल कर लें बड़ा ही खूबसूरत लुक बनता है उसका बहुत अच्छा लगता है देखने में भी अच्छी लगती है आपकी डिश ये देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार हो चुकी है बड़ी अच्छी चटपटी सी ये बिल्कुल तैयार है जनाब अब हम इसको मज़ेदार चिकन मंचूरियन रेडी है अब हम इसको डिश आउट करेंगे और अब हम बना रहे हैं फ्राइड राइस उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती चलूँ उसके लिए लिए हैं मैंने ये इंग्रेडिएंट्स हैं फ्राइड राइस के हमारे और इसमें फ्राइड राइस को हम बना के चावल बॉईल करेंगे चावल बॉईल करके फिर हम उसको फ्राई करेंगे तो उसके लिए ये देखिए चावल मैंने लिए हैं आधा किलो चावल हैं ये आधा किलो चावल मैंने लिए हैं ये इसमें मैंने गाजर तकरीबन दो बड़ी गाजरें थी मेरे पास जिनको मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है अगर आपके पास छोटी गाजरें हैं तो आप ती, दो तीन यूज़ कर सकते हैं मेरे पास दो थी उसमें इतना बड़ा मेरा बोल एक बन गया है आप देख सकते हैं क्वांटिटी उसकी ये मेरे पास हरी प्याज है हरी प्याज मैंने इस तरह उसके ग्रीन पोर्शन सिर्फ उसका मैंने काटा है बारीक इस तरह इसको हम अपने फ्राइड राइस बनाएंगे तो उसमें यूज करेंगे यह मैंने तीन अदद अंडों को फेंट के इसके अंदर मैंने फूड कलर डाला है क्योंकि जब हम अंडे को फ्राई करेंगे तो फिर जब हम उसको चावल के साथ ऐड करते हैं तो वो वाइट वाइट होता है जो कि देखने में भी कलर इतना अच्छा नहीं लगता ये अब इसलिए मैंने इसमें कलर ऐड किया है कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वाइट राइस के साथ ये बड़ा खिले खिले इसके रंग अच्छा लगेगा खिला खिला रंग तो इसमें मैंने काली मिर्च पाउडर ऐड किया है थोड़ा सा नमक ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने जर्दे का रंग ऐड करके इसको इस तरह फेंट के रख लिया है अपने पास फिर ये मैंने काली मिर्चें कुटी हुई तकरीबन एक टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा है ये हम फ्राइड राइस में जब हम राइस को फ्राई करेंगे तो उसके साथ ऐड करेंगे इसके लिए अब हम गाजरों को हल्के से ऑयल में सौटे करेंगे पहले क्योंकि थोड़ा सा क्रंची सा टेस्ट आना चाहिए उसका लेकिन मैं इनको हरी प्याज को बिल्कुल नहीं अभी इसको फ्राई करूंगी सौटे नहीं करूंगी क्योंकि ये बड़ी नाज़ुक मिजाज सी सब्ज़ी होती है अगर हम इसको पहले भी सौटे कर लेंगे तो फिर इसका चावलों में जब हम ऐड करेंगे तो वो एक ग्रीन कलर खिला खिला सा नज़र नहीं आएगा तो ये इसका कलर ख़राब हो जाएगा इसलिए मैं जब चावल फ्राई करूँगी तो उसी तो ही उसके साथ फ्राई करूँगी तो अब चलते हैं हम अपनी गाजर को सबसे पहले सॉटे कर लेते हैं फ्लेम ऑन करते हैं अपना और देखें आप मैंने इसमें ये थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है इसको हमें गाजरों को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना हल्के से सॉटे करना ये देखिए ऑयल कितना कम लिया है मैंने सिर्फ इसलिए कि ये हल्का सा सॉटे हो जाए थोड़ा क्रंची क्रंची ही रहे हमारी गाजरें बिल्कुल उसको कुक नहीं करना आधी कच्ची आधी पक्की जैसे कि चाइनीज़ खानों में अमूमन हम रखते हैं ये ज़रा ऑयल गर्म हो जाए तो फिर अब मैं इसमें ये डालने लगी हूँ गाजर ये देखिए ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और हम इसको हल्की आँच पे हल्का सा सोटे करेंगे अच्छे से इसको चला दें हमें कच्ची कच्ची ही रखनी है गाजरें ताकि उसका कलर भी ज़्यादा ख़राब ना हो ज़्यादा कुक करेंगे तो इसका ये जो ऑरेंज कलर इतना ख़ूबसूरत लग रहा है अभी ये मांद पड़ जाएगा जो कि चावलों में डलने के बाद बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं देगा तो हमें इस चीज़ का ख़्याल रखते हुए बिल्कुल हल्की आंच पे इसको सोटे करना है फिर इसी तरह हम इसको देखें ये सोटे करके मैं निकाल लूँगी फिर इसको हम साइड पे रख के हम अपने चावल बॉईल करेंगे फिर हम चावलों को फ्राई करेंगे फिर हम बताएंगे आगे कि उसको किस तरह हम अपनी रेसिपी को फॉलो करना है ये देखिए आपके सामने हल्की आंच पे मैं इसको सॉटे कर रही हूँ ये देखिए ये ऑलमोस्ट हो चुकी है सॉटे अब हम चावल बॉयल होने के लिए रखेंगे ये देखिए मैंने गाजरों को सॉटे करके निकाल लिया है इस तरह कलर देखिए इसका हल वैसा का वैसा है हल्का सा सॉटे किया है हमने इसको हम चावलों के साथ फ्राई करेंगे ये ये देखिए अंडा फेंट के मैंने रखा हुआ था यहाँ मेरे पास चावल बॉयल हो रहे हैं चावलों को मैंने सिर्फ नमक डाल के बॉयल करने रखा है गर्म पानी में सोख किया था मैंने चावलों को और अब मैंने इसको सिर्फ़ इसमें मैंने नमक डाला है बॉईल करने रख दिया है जब ये बॉईल हो जाएंगे तो इसका पानी ड्रेन आउट करके फिर हम इनको फ्राई करेंगे चावल को ऐसे ही ढक्कन खोल के पकाएं ताकि चावल खिले खिले बने हमारे ये देखिए चावल बॉईल हो चुके हैं अब मैं ये अंडा जो मैंने फेंट के रखा हुआ था ये मैंने इसमें ऑयल ले लिया है अब मैं इसको बनाऊंगी। ये देखिए इसको फ्राई करना है हमें मुझे ये अंडा इस तरह की फॉर्म में चाहिए इसके छोटे छोटे चंक्स बन जाएं तो उसके लिए मैं पहले इसको इस तरह स्प्रेड करूंगी ये देख सकते हैं आप और इस तरह से इसको ब्रेक करती जाऊंगी चंक्स इसके बनते जाएंगे आप देख रहे हैं किस तरह करना है इस तरह से इसके छोटे छोटे से चंक्स की शक्ल में ताकि जब हम इसको इसमें चावलों के साथ इसको फ्राई करें तो बड़े ख़ूबसूरत से इसके चंक्स आने चाहिए अंडे के ये देखिए ये देखें देखा आपने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस इसके हो गए ये देखिए और कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है अगर हम फूड कलर नहीं डालते तो ये कलर इसका नहीं बनता वाइट वाइट लगता जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अब हमें चावल फ्राई करने हैं तो उसके लिए ये मैं और ऑयल डाल रही हूँ ये देखिए ऑयल डाल दिया अब इसमें मैं ये चावल डाल रही हूँ जो हमने पहले से बॉईल करके ड्रेन आउट करके रखे थे ये देखिए नए खिले खिले चावल हमने बॉईल किए हैं ये सब इसमें मैं डाल देती हूँ उसके साथ ही ये देखिए कितना ख़ूबसूरत लग रहा है इसके ऊपर वाइट के ऊपर क्या लो अंडे का कलर अब मैं इसके साथ ये सब्ज़ियाँ ऐड कर रही हूँ गाजर जो हमने सॉटे करके रखी थी आपके सामने अम्मा, बहुत अच्छी थैंक यू बेटा जैसे आप है। ओ थैंक यू बेटा ये देखिए मैंने इसमें काली मिर्च भी ऐड कर दी है हरी प्याज भी ऐड कर दी है कितना खूबसूरत कलर बन गया ये देखिए ज़रा इतने कलरफुल राइस इसको मिक्स कीजिए हल्के हाथ से क्योंकि चावल हमारे बॉयल्ड हैं अच्छी तरह गल चुके हैं इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हमें करना है कि चावल हमारे टूटे भी नहीं और बड़ा खूबसूरत सा लोग बने ये देखिए बहुत ही कलरफुल लग रहे हैं माशाल्लाह और जब आप ये बनाएंगे तो सब लोग बहुत तारीफ़ करेंगे यू वेलकम माय बेटा welcome. ये देखिए कितना ख़ूबसूरत लग रहे हैं कलरफुल चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आप इन्जॉय कीजिए उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी इसको बनाइएगा खाइएगा और फिर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी फिर मिलेंगे इन एक नई रेसिपी के साथ सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा अल्लाह हाफिज़